राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुई। अपने संबोधन में पीएम ने मोरक्को में आए भीषण भूकंप से शुरुआत की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया। इसे एक दूसरे पर विश्वास में बदलने का समय आ गया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मोरक्को में आए भीषण भूकंप की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। हम उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान की मांग कर रही हैं। इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया। इसे एक दूसरे पर विश्वास में बदलने का समय आ गया है। पीएम ने पूरी दुनिया से इसे एक दूसरे पर विश्वास में बदलने की अपील की। पीएम ने कहा कि ऐसा समय है जब सदियों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान की मांग कर रही हैं और इसलिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व में एक बड़ा संकट विश्वास का आया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत पूरी दुनिया से ये आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदलें। ये हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस चुनौतियों को ठोस समाधान की ओर बढ़ाना होगा। नई दिल्ली में पहली बार हो रहे इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई। सम्मेलन का मुख्य स्थल भारत मंडपम और इसके आसपास की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।